निवाड़ी जिले की ओरछा तहसील में एक क्रेटा कार सड़क नहीं दिखने के कारण अनियंत्रित होकर बावड़ी में गिर गई। जानकारी लगते ही निवाड़ी की नाराई चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार सवार तीन लोगों का रेस्क्यू किया और उन्हें बचा लिया। घटना गुरुवार रात 10:30 बजे की बताई जा रही है। झांसी में रहने वाले पाल समाज के तीन लोग राम राजा सरकार के दर्शन करने ओरछा आए थे। इसी दौरान ओरछा की खजाऊ बावड़ी में एक क्रेटा कार अनियंत्रित होकर गिर गई। उनकी कार के पीछे ही निवाड़ी पुलिस अधीक्षक तुषार कांत, विद्यार्थी के वाहन चालक रामलोचन, नाराई चौकी के उप निरीक्षक संजय शर्मा, आरक्षक सचिन, आरक्षक सत्येंद्र ओरछा की तरफ आ रहे थे। उन्होंने देखा कि एक क्रेटा कार चालू अवस्था में बावड़ी में गिर गई। आनंद फानन में सभी पुलिसकर्मी बावड़ी के पास दौड़े और बावड़ी में गिरे लोगों को बचाने के प्रयास में लग गए। अन्य लोगों के साथ मिलकर बावड़ी के अंदर से उन्होंने एक घंटे की मशक्कत के बाद तीनों लोगों को बाहर निकाला। घायलों के नाम रोहित पिता रघुनाथ पाल, राजा पिता जगदीश पाल, सागर पिता अमर सिंह रैकवाल, तीनों झांसी के निवासी हैं। घायलों ने बताया कि वह ओरछा राम राजा मंदिर दर्शन करने गए थे और दर्शन करने के बाद वापस अपने घर झांसी की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान होटल OCR के पास धुंध होने के कारण रोड नहीं दिखी और वो कार समेत बावड़ी में गिर गए। गनीमत रही कि मौके पर नाराई चौकी पुलिस मौजूद थी, जिन्होंने ताबड़तोड़ संसाधन जुटाए और एक घंटे की मशक्कत के बाद घायलों को रस्सी की मदद से बावड़ी से बाहर निकाल लिया। फिलहाल कार अभी भी बावड़ी में है, जिसे अन्य संसाधनों की मदद से बाहर निकाला जाएगा। हादसे में तीनों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है।